अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं गोश्त चिगुर की रेसिपी। चिगुर उसे कहते हैं जो इमली के पत्तों से बनाया जाता है। करी सालन उसे चिगुर कहते हैं और ये पत्ते कांवले पत्ते होते हैं। आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं वीडियो में बता रही हूँ, इस तरह के पत्ते होने चाहिए, इसे चिगुर कहते हैं। हम इसे बनाएंगे मटन के साथ। जो मटन खाना पसंद करते हैं वो इस तरह से रेसिपी बनाकर ट्राई करिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, चिगुर के पत्तों को अच्छे से साफ़ करेंगे। टहनियाँ जो होती है इसके निकाल लें, आप देख सकते हो ऊपर जो टहनी होती है इसे अच्छे से साफ़ करना है तोड़कर। और इसमें जो टहनियाँ आते हैं इस तरह से, जब हम बाज़ार से लाते हैं ख़रीद कर, तो वो भी हमें साफ़ करना होता है। और इसमें फूल भी होते हैं, ये भी हमें निकालना होता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप है जब आप चिगुर को साफ़ करते हैं, चिगुर की भाजी को। और अगर आप इसमें फूल डालेंगे तो ये सालन में कड़वापन लेकर आएगा, ख़राब हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, प्याज, अनियंस, मैंने यहाँ पर 3 बड़े साइज़ लेकर कट कर लिया है छोटे पीसेस में, और गोश्त लिया है मैंने 250 ग्राम्स। अच्छे से वॉश करके, यहाँ पर और एक टिप मैं शेयर करूँगी, वॉश करने के बाद पानी में इस तरह से रख दीजिए। जब तक आप अनियंस कट करके फ्राई कर लेते हैं कुकर में, प्रेशर कुकर में, तब तक पानी में डाल दें, जो एक्स्ट्रा लाल पना होता है मटन का पानी में आ जाएगा। और कुकिंग ऑयल 125 ml, चुगुर मैंने लिया है यहाँ पर 1/2 kg, अच्छे से साफ़ करके वॉश कर लिया है 2 से 3 बार पानी में। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कुकिंग प्रोसेस। यहाँ पर मैं बता दूँ, जिस तरह से हम मटन को डाल कर रखे हैं पानी में, आप देख सकते हो जो भी एक्स्ट्रा लाल पना है पानी में छूट रहा है। अब यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर रख दिया है स्टाव पर। ऐड कर देंगे ऑयल। ऑयल डालने के बाद अनियंस ऐड कर दें, जो हमने प्याज कट कर कर रखा था वो डाल देंगे। डालने के बाद इसे हम फ्राई करेंगे 2 मिनट के लिए। इसमें जो कच्चा स्मेल होती है, कच्चापन चले जाए, तब तक हमें फ्राई करना है 2 मिनट के लिए। स्टाव फ्लेम हाई ही रखिएगा। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी, पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी, तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकॉन के साथ, और ऐसे अच्छे हेल्पफुल रेसिपीज़ के लिए, हेल्पफुल वीडियोज़ के लिए। 2 मिनट के लिए फ्राई करने के बाद देखिए, आप देख सकते हो अनियंस थोड़ा सा फ्राई हो गए हैं, इसमें से जो कच्ची स्मेल है वो चले जाती है। गोश्त ऐड कर देंगे। स्पाइसेस ऐड करेंगे हम। स्पाइसेस में रेड चिली पाउडर 2 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून। अच्छा, यहाँ पर एक बात बता दूँ, आप मिर्ची और नमक कम या ज़्यादा खाते हो उस हिसाब से आप ऐड कर सकते हो। अदरक लहसुन पेस्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अब हम इसे भूनेंगे, अच्छे से भूनेंगे 2 मिनट के लिए। यहाँ पर एक और टिप शेयर करती हूँ फ्रेंड्स मैं आप लोगों के साथ, जब भी आप कोई मटन रेसिपी बनाते हैं तो उसे भून कर बनाना चाहिए। मटन हो या बीफ हो, उसे अच्छे से भूनना चाहिए। आप जितना अच्छा भून कर बनाओगे रेसिपी उतनी ही मज़ेदार बनेगी। देखिए, 2 मिनट भूनने के बाद जो ऑयल हमने डाला था वो छूटने लगा है, इस तरह से आप देख सकते हो। अब हम इसमें ऐड कर देंगे वाटर। मैंने यहाँ पर ऐड किया है 1 ग्लास फुल वाटर। अगर आप बीफ करी बना रहे हो, बीफ लिया है आपने, तो आप थोड़ा ज़्यादा पानी ऐड कर दें, क्योंकि उसे गलने के लिए, टेंडर होने के लिए टाइम लगता है। मैंने यहाँ पर मटन लिया है तो 1 ग्लास वाटर काफ़ी है। अब हम मिक्स करने के बाद प्रेशर कुकर का लिड लगा देंगे 5 vessels होने के लिए। 5 vessels होने तक, यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ, हमने जो ये चिगुर की भाजी तोड़कर साफ़ कर कर वॉश कर कर रखा है 2 से 3 बार पानी में अच्छे से, इसमें हम ऐड कर देंगे 2 हरी मिर्च इस तरह से कट करके। हरी मिर्च का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, ज़रूर ऐड करिएगा। 5 vessels होने के बाद अब यहाँ पर हम चेक करेंगे मटन हमारा अच्छे से गला या नहीं। यहाँ पर मैं 2 मिनट के लिए भूनूंगी और इसी वक्त मैं चेक भी करूँगी। मैं स्पून से ही इस तरह से, लकड़ी का जो मैंने स्पून लिया है, इस तरह से चेक कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत गर्म है। मटन अच्छे से गल गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे चिगुर की भाजी जो हमने तोड़ कर रखा था। इस तरह से ऐड करने के बाद प्रेशर कुकर का लिड हमें रख कर पकाना है, वेसल नहीं लगाना है, बस ढककर रख दीजिए 8 से 10 मिनट के लिए, और बीच बीच में स्पून चलाते रहिएगा। इसी तरह से हमें पकाना है, एक्स्ट्रा वाटर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जो भाजी में से वाटर छूटेगा उसी में हमारा भाजी, गोश्त अच्छे से पक जाएगा। देखिए, 8 से 10 मिनट मैंने यहाँ पर पकाया है मीडियम फ्लेम पर। अच्छे से हमारी भाजी पक गई है गोश्त के साथ। बीच बीच में स्पून चलाया है मैंने 2 से 3 बार। ऑयल जो डाला है हमने पूरा ऊपर आ गया है, आप देख सकते हो।
ऑयल अच्छे से नज़र आ रहा है, इसका मतलब है भाजी हमारी अच्छे से पक गई है। अच्छे से मिक्स करेंगे और स्टोव का फ्लेम बंद कर देंगे। अब ये रेडी है सर्व करने के लिए। आप इसे गर्मा गर्म ज्वार की रोटी पराठे के साथ, रोटी के साथ सर्व कर सकते हो। लंच या डिनर में प्लेन राइस के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अब हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।